गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके चंद्रा इंस्टीट्यूट और पूरी की पूरी टीम के द्वारा स्पेशली जो टारगेट करके बनाया जा रहा है वो स्पेशली बनाया जा रहा है रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी के बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, अगर आप ये पूरे वीडियोस ध्यान से देख रहे हैं तो आपके चैनल आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो देखा था वो हमने नीति आयोग और उससे पहले का हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है आपका बजट। बजट होता क्या है? अगर हम बजट की बात करें तो बजट कुछ नहीं होता है, बजट एक तरह से देखा है आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय यानी एक तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है। अगर हम बात करें देश का बजट की तो आपसे क्वेश्चन देश के बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत डीप नहीं आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर का मतलब है आपको तुरंत ऑब्जेक्टिव देख के उसमें से जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा उसको आपको चूज करके एकदम से अच्छे अंक को पाना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बजट शब्द आया कहां से, सबसे पहले अगर देखा जाए बजट शब्द सबसे पहले फ्रेंच भाषा के एक शब्द बुगट से बना है। बुगट का मतलब होता है चमड़े का थैला। आपने जब देखा होगा हमारे यहाँ के वित्त मंत्री जब भी एक तरह से बजट का प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, प्रस्तुतिकरण करने जाते हैं तो एक बैग दिखाते हैं। तो ये शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है? ये फ्रेंच समय से स्टार्ट हुई और चमड़े के थैले से स्टार्ट हुई है। चलिए पहला ये हो गया। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे पहले अगर जो बजट लिटरली जो रिकॉर्डेड बजट है जो एग्जाम और कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है और उसको आपको याद करना है वो है 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट वॉल पॉल। इसको याद कर लीजिए, 1733 में ब्रिटिश के संसद में सबसे पहला दुनिया का एक तरह से रजिस्टर्ड बजट पेश किया गया था और करने वाले व्यक्ति का नाम था सर रॉबर्ट वॉल पॉल। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद करते हैं। अब देखिए हमने दुनिया के परिपेक्ष में देखा, अब हम भारतीय परिपेक्ष में देखते हैं कि बजट सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रेजेंट किया था। अगर आपको बताएं भारतीय परिपेक्ष में सबसे पहला बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारतीय परिपेक्ष में बजट का प्रस्तुतिकरण किया। कब किया? 7 अप्रैल 1860। ये कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको आप बिल्कुल नोट करिए। 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन ने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था। अब इसके बाद एक चीज और बता दें आपको, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पितामह कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है। तो इसीलिए अगर कभी आता है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि भारतीय परिपेक्ष में पितामह कौन है बजट का, तो आपको सीधा आपको किनके नाम पे टिक मारना है? जेम्स विल्सन के नाम पे टिक मारना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में एक चीज और, भारत में जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष कितना होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो वित्तीय वर्ष होता है 1867 से आरंभ हुआ था, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इससे पहले 1867 से पहले जो क्या था वित्तीय वर्ष क्या था वो 1 मई से 30 अप्रैल था, ये याद रखिएगा। और लेकिन अभी भी सरकार इस पे फैसला कर रही है कि इसको भी चेंज करके हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दें, लेकिन अभी केंद्रीय सरकार ने नहीं किया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्या कोई राज्य ऐसा है जिसने अपना वित्तीय वर्ष चेंज कर दिया है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश। 2016 से मध्य प्रदेश जो राज्य है उसने अपना बजट का जो एक तरह से वित्तीय वर्ष बना दिया है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर बना दिया। लेकिन अभी भी हमारी केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है और आने वाले समय में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है, लेकिन अभी कितना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में उसे वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। वित्तीय शब्द का उल्लेख है, बजट का नहीं है, इतना याद रखिएगा। और एक चीज और, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को हम किस नाम से जानते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये याद रखिएगा।
संविधान के अनुच्छेद 112 में जो बजट है हम जो कहते हैं वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बजट जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ये कई बार पूछा जाता है। और बजट किस अनुच्छेद में है? 112। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत का, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट वित्त मंत्री आर के शंखमुखम चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को, ये याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था उस समय के वित्त मंत्री शंखमुखम, आर के शंखमुखम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने भारत का प्रथम बजट प्रस्तुतीकरण किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो स्वतंत्र भारत का था, अब एक क्वेश्चन आपसे घुमा किया जाएगा गणतंत्र भारत का। सीधी बात है स्टूडेंट्स, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का सीधा मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतंत्र हुआ था। उसके बाद का जो गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी ने प्रस्तुत किया था। और जॉन मथाई, एक चीज और बता दें, जॉन मथाई प्रथम रेलवे मिनिस्टर थे भारत के। वो बाद में जाके 1950 में क्या बने? वो बाद में जाके वित्त मंत्री बने। अब इस बजट ने भारत में योजना, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी हुई है, इसी काल में आपको याद होगा नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, 15 मार्च 1950 में किसका गठन हुआ था? योजना आयोग का। और इस बजट ने भारत में योजना आयोग की स्थापना का रास्ता साफ किया था, क्योंकि इसी से बजट अलॉट हुआ था और योजना आयोग को एक नए कलेवर में 15 मार्च 1950 में भारत में लागू किया गया था। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई एक ऐसा व्यक्तित्व है भारतीय बजट के इतिहास में जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया। इन्होंने लगभग 10 बार बजट को प्रेजेंट किया, 8 बार तो इन्होंने पूर्ण बजट प्रेजेंट किया और 2 बार अंतरिम बजट प्रेजेंट किया था। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, 10 बार किया था, 8 बार तो उन्होंने पूर्ण बजट किया था और 2 बार अंतरिम बजट किया था। लेकिन अगर आप आएगा तो किस पे मारेंगे? 10 बार पे। 2 बार इन्होंने अपने जन्मदिन पे किया था। अभी तक आपको बता दें कोई भी वित्त मंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपने बजट को कब प्रस्तुत किया हो, बजट को अपने जन्मदिन पे प्रस्तुत किया हो। लेकिन वो व्यक्ति कौन थे? वो थे स्वर्गीय श्री मुरारजी देसाई। उनका जन्मदिन कब पड़ता था? 29 फरवरी 1964 और 29 फरवरी 1968, यानी ये लीप ईयर थे। 1950 से 1957 सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो फिर आप सुन लीजिए, कि एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। और उन्होंने एक तरीके से कहा जाए 1943 से 1949 तक वो भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। और उन्हीं के समय पे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। वही आगे चल के क्या बने? भारत के वित्त मंत्री बने। और कितने साल तक बने? लगभग 5 से 6 साल तक थे, लेकिन उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी थे, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें साल 1955 और 56 में बजट पेपर हिंदी में छपना आरंभ हुआ। आपको बता दे बड़ा दुखद होगा ये कि इससे पहले जो बजट हमने बताया था शंखमुखम चेट्टी ने जो प्रेजेंट किया था सर ने, वो बजट इंग्लिश में था। लेकिन बजट हिंदी और इंग्लिश बजट पेपर कब से छपना स्टार्ट हुए? वो हुए 1955 से 1956 के बीच। अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स कई बार पूछा गया है कि ब्लैक बजट क्या है। देखिए ब्लैक बजट कब प्रेजेंट हुआ था? 1973 से 74 के बीच। ब्लैक बजट का तात्पर्य क्या है? देखिए ब्लैक बजट का तात्पर्य ये था, उस समय सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। घाटे का मतलब होता है माइनस, तो सही बात है। तो इसीलिए इस घाटे के कारण सबसे ज्यादा घाटा हुआ था उस समय के अनुसार 550 करोड़ का, और उस समय के वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान जी थे। और इसीलिए इस बजट को भारतीय इतिहास में ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बजट। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उस समय के वित्त मंत्री थे स्टूडेंट्स यशवंत राव चौहान थे, इसको आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद भारतीय बजट के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला वित्त मंत्री नहीं हुई है, लेकिन एकमात्र वित्त मंत्री हुई है महिला, जो प्रधानमंत्री भी रहते हुए वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इसको नोट कर लीजिए, 1979 से 1980 के बीच का उन्होंने सबसे पहला बजट एज एक महिला रहते हुए प्रेजेंट किया था, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद बजट में विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 में शामिल किया गया, जो मैंने आपको बताया था एलपीजी मॉडल आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमारी बंद अर्थव्यवस्था खोली गई थी। उस समय के जनक कौन थे? उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं को बजट में विदेशी निवेश शामिल करने का श्रेय जाता है। कब जाता है? 1991 में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय बजट के इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, टोटल पूरी गांधी फैमिली प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके बाद आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, 1996 में संवैधानिक संकट आरंभ हुआ था, जिसके कारण संसद में बिना बहस हुए बजट को प्रस्तुत कर दिया गया था। ये नोट कर लीजिएगा, उस समय कौन थे वित्त मंत्री? पी चिदंबरम थे। इसके बाद पीवी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स को 1987 में राजीव गांधी ने सर्वप्रथम बजट में पेश किया। कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो टैक्स किसमें लगता है? बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स को सबसे पहले बजट में लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। ये कब जाता है? 1987 में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बजट की जो बारीकियां थी आपको अभी बताई, इसके अगले लेक्चर में जो बजट भाग दो होगा उसमें आपको हम और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।